नमस्ते, राम राम जी। मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि एक्चुअली एक न्यू कमर को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब वो बॉलीवुड में आते हैं या टेलीविजन इंडस्ट्री में आते हैं काम करने के लिए। सबसे पहले आपको ऑब्वियसली अपने साथ थोड़ा पैसा लेकर आना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको अपने पहले असाइनमेंट में पैसा मिलेगा। सभी लोग जो न्यू कमर्स को ब्रेक देते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यू कमर्स 15 से 12 से 20 घंटे काम करें और उनको ऑब्वियसली पेमेंट भी नहीं दी जाती है, पेमेंट उनकी डिले करी जाती है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और न्यू कमर्स जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, वो ऑब्वियसली इतने पैसे लेकर नहीं आते और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जल्द अपने काम के लिए पैसा मिलेगा, मगर ऐसा नहीं होता। एंड एक्चुअली दे एंड अप इन अ विशियस सर्कल जहां पर उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है और उनको आवर्स से ज्यादा काम करवाया जाता है। सो मैं सिर्फ सभी न्यूकमर्स को कहना चाहती हूँ, आउटसाइडर्स को जो बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं या टेलीविजन इंडस्ट्री में, कि प्लीज थोड़ा अपना सेविंग्स का पैसा लेकर आइए और वो सेविंग्स के पैसे को अच्छी तरह से यूज करिए, इस्तेमाल करिए। मैं अपने खुद के फिल्मों के और मॉडलिंग असाइनमेंट्स के एग्जांपल्स देती हूँ। जब मैंने शुरुआत करी थी, तब मुझे ऑडिशन के लिए महालक्ष्मी जाना होता था या अंधेरी में कोई ऑडिशन हाउसेस होते हैं, वहां पर जाना पड़ता था। देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन ट्रैवलिंग दैट यूज्ड टू गो, एंड मैं ऑब्वियसली सस्ता खाना खाती थी दैट वॉज अवेलेबल ऑन द वे टू दीज ऑडिशंस। ऑडिशन में काम कर ऑडिशन अगर आपको ऑडिशन के थ्रू अगर आपको काम मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको काम नहीं मिलता तो ऑब्वियसली वो आपका ट्रिप वेस्ट होता है, आप खाली कोऑर्डिनेटर को बिल कर आते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। अगर आपको काम मिलता है तो काम मिलने के तुरंत बाद आपको उस काम का चेक भी नहीं मिलता, चाहे आप मॉडल हो चाहे आप एक एक्टर हो, आपको ऑब्वियसली चेक ये लोग देते हैं 10, 15 या 1 महीने के बाद। टेलीविजन इंडस्ट्री में रूल है कि आपको 60 डेज के अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए, मगर बिग प्रोडक्शन हाउसेज जैसे एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस या कोई गुल खान का प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ मैंने हम सफर करके एक टेलीविजन शो किया था जहां पर मैं नेगेटिव लीड थी, वहां पर भी मेरी पेमेंट्स 6-6 महीने तक डिले करके दी जाती थी और कहा जाता था कि मैडम आपको तो पेमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप क्यों पेमेंट मांग रही हैं। जिस तरह से उनको और अपना पैसा अपने पास रखना था इन प्रोड्यूसर्स को, सो दैट इनके पैसों के ऊपर उनका इंटरेस्ट जारी रहे, दैट्स व्हाई दे डोंट रिलीज द पेमेंट्स ऑफ द एक्टर्स, सो दैट एक्टर्स उनके चुंगल में फंसे रहे एंड दे कैन नॉट लीव देयर शो विदाउट ऑब्वियसली देम यू नो जब्त करोइंग देयर 3 months या 4 months मनी। दैट इज हाउ द प्रोडक्शन हाउसेज वर्क। जब मैंने परसेप्ट की दो पिक्चरें करी थी, ढोल करी थी एंड आई थिंक कॉर्पोरेट पिक्चर करी थी, बोथ पेड मी नेक्स्ट टू नथिंग मनी बिकॉज दे वर गिविंग मी ब्रेक्स, मगर इन्होंने मुझे बोला था कि ये मुझे पब्लिसिटी में यूज करेंगे बिकॉज दे नीडेड दिस कैरेक्टर टू बी प्रमोटेड। जब ढोल पिक्चर में मुझे पब्लिसिटी में नहीं यूज किया गया, देन आई एक्चुअली हायर्ड अ ओन पीआर पर्सन एंड वेंट टू दिल्ली एंड हैड माय ओन प्रेस कॉन्फ्रेंस टू टेल द पीपल दैट आई एम हैविंग अ फिल्म कॉल्ड एज ढोल विच इज डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन टू बी रिलीज्ड इन दीज कमिंग मंथ्स, और इस फिल्म के अंदर लीड तनुश्री दत्ता है। तो हरदम मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, बिकॉज इनिशियली जब आपको काम दिया जाता है और काम में कम पैसा देना होता है तो कोऑर्डिनेटर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि आपको पब्लिसिटी मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, कैरेक्टर किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये किरदार कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जब आपको एक्चुअल प्रोडक्ट दिखाई देता है। तो मैंने खुद अपने पैसों से अपनी पब्लिसिटी करी है व्हेन माय फिल्म्स हैव बीन रिलीजिंग। कॉर्पोरेट फिल्म में मेरा गाना था, बट ऑब्वियसली ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज सम कंट्रोवर्सी विद माय नेम अटैच्ड ड्यू टू व्हिच द सॉन्ग वाज पब्लिसाइज्ड एंड दैट बिकेम माय फर्स्ट आइटम सॉन्ग। तो वो आइटम सॉन्ग के बाद मैंने डांस क्लासेस लेना शुरू किया, क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टेज शोज के ऑफर्स आने लगे एंड स्टेज शोज से एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी तरह से पैसे कमा सकती है बाय डूइंग डांस परफॉर्मेंसेस फॉर 10 टू 15 मिनट्स ऑन द स्टेज, मगर फिल्मों से ऑब्वियसली पैसे कम मिलते हैं। आप अब सब पढ़ रहे हैं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को इतना पैसा ऑफर किया गया, उतना पैसा ऑफर किया गया, बट आई एम वेरी मच श्योर उसका पैसा कहीं ना कहीं सारे प्रोडक्शन हाउसेस में अटका होगा जहां पर उसने काम किया होगा, बिकॉज दीज प्रोडक्शन हाउसेस जो पैसा कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है और वो पैसा रिलीज करने में बहुत फर्क होता है। मैंने एक शो, मैंने जैसे आपके साथ बात करी, मैंने एकता कपूर के साथ बात काम किया, एकता कपूर में के प्रोडक्शन हाउस में मेरी पेमेंट अटकी एंड आई हैड टू ईमेल देम टू एस टू रिलीज माय पेमेंट्स एंड एक्चुअली टेल देम दैट प्लीज आप मेरी पेमेंट्स रिलीज करिए, ऐसा यू नो दिस इज अनप्रोफेशनल। तो मुझे ये लेवल तक जाना पड़ा। गुल खान के शो के अंदर जहां मैंने हम सफर करके एक शो किया था नेगेटिव लीड, वहां पर मुझे एक्चुअली शूटिंग को स्टॉप करना पड़ा बिकॉज वो मेरी पेमेंट 6 months से रिलीज नहीं कर रही थी और बार बार प्रोडक्शन हेड मुझे कह रहा था कि
प्रोड्यूसर कैलकटा गई है, अब्रॉड गई है, जबकि प्रोड्यूसर अपने ऑफिस में बैठी हुई होती थी. सो व्हेन द प्रोड्यूसर्स आल्सो कम टू नो दैट अ पर्टिकुलर एक्टर अपना पेमेंट मांग रहा है, तो वो प्रोड्यूसर्स एक साथ गुट बना लेते हैं और ऑब्वियसली उस एक्टर को काम नहीं देते, क्योंकि उनको पैसा देना अच्छा नहीं लगता. उनको चैनल से पैसा लेना अच्छा लगता है, मगर उनको एक्टर्स को पैसा देना पसंद नहीं है. वो नए नए एक्टर्स को फंसाते हैं ये कह के कि हम आपको स्टार बना देंगे, मेन रोल है, मगर ऑब्वियसली ऐसा डायलॉग वो बहुत सारे लोगों को देते हैं और उनको जो पसंद आता है उस एक्टर और एक्ट्रेसेस को प्रमोट करते हैं. तो ये मेरे साथ हुआ था इन सब फिल्मों के अंदर. मैंने अगली और पगली करके एक फिल्म करी थी जो ब्रिटिश नैंडी की प्रोडक्शन हाउस थी. उसमें मेरे को बोला गया था कि मेरा रोल काफी बड़ा है. वो रोल, वो फिल्म मैंने आई थिंक पीनट्स मनी में की थी. बोला गया था कि ये कैमियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर कैमियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. सिमिलरली साजिद खान की फिल्म हे बेबी के अंदर मैंने एक गाना किया था और मुझे बोला गया था कि दो तीन सीन है रितेश देशमुख के साथ, मगर एक छोटा सा सीन था रितेश देशमुख के साथ और एक सेकेंड था उस गाने के अंदर, और वो मुझसे फ्री में काम कराया गया था बाय साजिद खान. एंड द फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड इट हैड अक्षय कुमार एंड विद्या बालन एज लीड. सो हम सब ने फ्री में भी काम किया है टू बी सीन इन बिग बैनर्स, क्योंकि हम छोटे बजट की फिल्मों से ट्रांजिशन कर रहे थे, मगर बिग बजट की फिल्मों ने मुझे पेमेंट नहीं दी है. मैंने एक्चुअली अपनी पेमेंट कमाई है फ्रॉम टेलीविजन रियलिटी शोज एंड फ्रॉम डांस स्टेज शोज, क्योंकि वहां से एक्चुअल पेमेंट्स मैंने कमाई है. बट बड़े बैनर्स की फिल्मों के अंदर मुझे पेमेंट्स नहीं मिली है. दिल कबड्डी के अंदर मुझे थोड़ी बहुत पेमेंट मिली थी, क्योंकि तब तक मैंने बिग बॉस का शो किया था एंड बिग बॉस के शो से मेरे को ऑब्वियसली लोगों का प्यार मिला था. अब आगे बात करते हैं अबाउट कास्टिंग एजेंट्स. कास्टिंग एजेंट्स 10 साल पहले तक इतने एक्टिव नहीं थे बॉलीवुड के अंदर, मगर अब बहुत एक्टिव है. मगर ये कास्टिंग एजेंट्स आर द न्यू आई वुड से पीपल हु लाइज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर देमसेल्व्स और फॉर द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग द फिल्म्स. क्योंकि शानू शर्मा जैसी एक कास्टिंग डायरेक्टर को मैं मिली थी जब यशराज के साथ मुझे काम करना था, एंड शी टुक 5000 रुपीज फ्रॉम मी जस्ट टू मीट हर बिकॉज शी रिफ्यूज टू मीट अ स्मॉल बजट फिल्म की एक्ट्रेस. जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे आपको मिलना है, कम से कम आप मुझे मिल तो लीजिए एंड मिलने के बाद आप डिसाइड करिए कि आप मुझे ऑडिशन के लिए बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, तब जाके उसने मुझे मिला. एंड व्हेन शी मेट मी शी टोल्ड मी दैट आई चार्ज 5000 रुपीज फॉर मीटिंग एन एक्ट्रेस. तो ये तरीके से ये लोग इतना गंदा षड्यंत्र खेलते हैं. एंड उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड है निहारिका खान एंड शी वॉज डेटिंग अमित साध. अमित साध इज द एक्टर हु वॉज विद सुशांत सिंह राजपूत इन कापियोचे. I am just telling you facts. I am not making anything up, nor am I trying to demean anybody's character. Here I am just specifying how Bollywood works. So, yahan par casting couch is not only limited to actresses being exploited, but obviously the other way around, women in power maybe also try to take advantage of new actors and try to have relationships with them. This is a fact. So, it goes either ways. Ki yahan pe ek ladki bhi aapka fayda utha sakti hai aur ek ladka bhi aapka fayda utha sakta hai. To aapko decide karna hai ki aapko किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करना है. अपने आप को ऑब्वियसली यू नो बैड हैबिट्स से दूर रखिए, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी बैड हैबिट्स से में फंस गई थी एंड इट टुक अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम फ्रॉम मी टू काइंड ऑफ गेट आउट फ्रॉम दैट. और उसी दौरान मैं वो करसी चावड़ा साइकाइट्रिस्ट को मिली थी, जिसने ऑब्वियसली मुझे और यू नो तकलीफ दी थी, दुख दी थी एंड दुख दिया था. एंड दैट इज व्हाई आई वेंट अवे फ्रॉम बॉम्बे फॉर सम टाइम. सो आई वुड जस्ट टेल एवरीबडी कि आप ये सब बैड हैबिट से दूर रहिए. मगर कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है ना ही लड़कियों के लिए बट लड़कों के लिए भी इन बॉलीवुड, और ऑब्वियसली पैसों की तंगी होगी, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, इसलिए लॉट ऑफ पीपल फंडर्स लेकर आते हैं. इवन द लाइक्स ऑफ टाइगर श्रॉफ एंड कीर्ति सैनन एंड दिस एंड दैट हैव फंडर्स बैकिंग, जिसकी वजह से ये साजिद नडियाडवाला का बैनर उनको लॉन्च करता है और उनको बार बार ब्रेक देता है. बिकॉज अल्टीमेटली जो फाइनेंसर होते हैं वो पिक्चर के अंदर कॉल लेते हैं कि कौन सा एक्टर होना चाहिए, कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए. प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सब डमी लोग होते हैं और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सुपरस्टार की भी इतनी नहीं चलती अनलेस एंड अंटिल वो पिक्चर सुपरस्टार के नाम से चल रही हो और सुपरस्टार के फाइनेंसर हो. सो दिस इज हाउ द बॉलीवुड वर्क्स. एंड ये मेरा वीडियो है टू ऑल द आउटसाइडर्स जो बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं. आप जरूर बॉलीवुड में आइए, अपना करियर जमाने के लिए बहुत प्रयास करिए, मगर आपको समझना चाहिए कि इस तरह से आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा. या तो आपको शाम को मीटिंग्स के लिए बुलाया जाएगा, वो मीटिंग्स आपको काम कभी नहीं देगी, तो वो मीटिंग्स पर जाना अवॉइड करिए. और कास्टिंग डायरेक्टर्स चाहे लेडी हो या लेडी हो या पुरुष हो, वो सब आपको गलत ख्वाब दिखाएंगे. वो ख्वाबों से दूर रहिए, खाली आप जाकर उनका ऑडिशन अटेंड करिए और ऑडिशन अटेंड करने के बाद भगवान पर छोड़ दीजिए. अगर आपकी किस्मत
में होगा तो आपको वो रोल जरूर मिलेगा। और हाँ, आपको हरदम कहा जाएगा कि ये रोल आपका करियर बदल देगा, ये रोल में आप बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दिए जाएंगे और इस रोल के बाद आपका करियर चार चांद पहुंच जाएगा। मगर उनकी कोई भी बात मत मानिए, अपना कर्म करिए, अपना काम करिए, बी प्रिपेयर्ड कि आपका रोल काट भी दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट हैज बीन हैपेंड विद मी इन टू फिल्म्स लाइक हे बेबी एंड अगली और पगली। तो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं आफ्टर हियरिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत्स डेथ, जो मेरे हिसाब से एक मर्डर है, एंड वो अपने सपने छोड़कर बॉलीवुड में आना नहीं चाहते। मगर आप बॉलीवुड में जरूर आइए, मगर बॉलीवुड किस तरह से चलता है उसको समझने का प्रयास जरूर करिए। और सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी एक्स मैनेजर दिशा सेलियन के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी। अब दिशा की पेरेंट्स और फैमिली ने एक प्रेस रिलीज करी है कि कैसे उनकी बेटी के बारे में फेक न्यूज मत स्प्रेड किया जाए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ उनको कि फेक न्यूज तो किसी को भी स्प्रेड नहीं करनी चाहिए आपकी बेटी के बारे में, मगर क्या आप एज अ फैमिली, एज अ परिवार नहीं जानना चाहते कि दिशा सेलियन के साथ क्या हुआ? आपकी जवान बेटी गुजर गई और लोग कह रहे हैं वो जो कहना चाहते हैं, मगर क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपकी जवान बेटी किस वजह से गुजर गई? सो दिस इज अ लॉट ऑफ रैंडम पीपल। एक यूट्यूबर है, वो काफी फेमस है, उनका नाम है PewDiePie। हाँ जी, ये उनका नाम है एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर्स। उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर क्यूरियोसिटी जताई है और वो बहुत शॉक्ड है, क्योंकि उनको जितना भी वो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको वो एक अच्छे इंसान लगते हैं, जैसे हम सभी को लगते हैं। सो लॉट ऑफ रैंडम पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन किस तरह से हुआ। बहुत फैक्ट्स मैंने आपको पहले भी बोले हैं, पॉइंट करते हैं कि उनकी सुसाइडल डेथ नहीं हुई है। पुलिस का जो भी एंगल है बाथरोब बेल्ट का, वो बेल्ट को शायद यूज किया जा सकता है विद डॉग्स बेल्ट या बाथरोब बेल्ट, मगर कुछ भी, और उनका गला दबाने का प्रयास किया जा सकता है, मगर कहीं से भी उन्होंने खुद अपने एक हाथ से अपने आप को फांसी नहीं दी, विच इज अ फैक्ट। आई एम 110% श्योर दैट ही हैज नॉट कमिटेड सुसाइड ड्यू टू हैंगिंग विद हिज ओन हैंड्स। किसी ने भी उनकी लटकती हुई बॉडी की फोटोग्राफ्स नहीं देखी है। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ मेरे प्रीवियस वीडियोस में शेयर करी है। तो दिशा सेलियन की मौत का क्या रहस्य है वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बॉलीवुड के अंदर जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो ये इनकी मौत से निराश हुए हैं, उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज निराश मत होइए, अपने आप को संभाल कर रखिए। अगर आप बॉलीवुड में आना चाहते हैं तो चीजों का सेवन करिए, एक है कि अपने वैल्यूज को अपने पास रखिए और बैड हैबिट से दूर रहिए, थोड़े बहुत पैसे अपने बचा कर रखिए और अपने पेरेंट्स के संपर्क में रहिए, और कास्टिंग काउच द्वारा काम मत लीजिए क्योंकि ये काम आपको आगे दूर तक नहीं लेके जाएगा। बस इतना ही आज के लिए, एंड सभी लोगों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी आवाज बुलंद रखिए, सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ये नारा जारी रहे। नमस्ते।